हेलो स्टूडेंट्स, धोरण 10 विषय गणित प्रकरण नंबर 15 संभावना। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रकरण नी अंदर आपणे दाखला नंबर 1-12 दाखला जोया। हवे आपणे दाखला नंबर 13 तरफ आगळ वधीए छीए। ध्यानपूर्वक जोता जाओ, टेक्स्टबुक आपनी समक्ष राखो। पासाने एकवार फेंकवामां आवे छे तो अविभाज्य संख्या, तो पहलू अविभाज्य संख्या होय, बीजू बे अने छ वच्चेनी संख्या होय, त्रीजू अयुग्म संख्या मळवानी संभावना शोधो। बराबर, तो विद्यार्थी मित्रों पासा माटे तमारे बे बाबतो आवे छे। हूँ तमने बे वस्तु अत्यारे पहला समझावी दऊं छूं, ध्यानपूर्वक जुओ कि पासाने एक वक्त फेंकवो, पासाने बे वक्त फेंकवो। बराबर, आमां जे वात आपणे आवे छे ए पासाने एक वक्त फेंकवानी वात आवे छे कि पासाने एक वक्त फेंकवो। तो पासो एक वक्त आपणे फेंकीए, बराबर छे, तो पासा पर मळता परिणामों क्या क्या होय छे एनी सौ प्रथम आपणे चर्चा करिए। तो पासाने एक वक्त फेंको तो पासा उपर एक अंक आवे, का बे आवे, का त्रण आवे, का चार आवे, का पांच आवे, का छ आवे। एक वक्त पासो फेंको तो आ एक थी छ अंक माथी कोई पण अंक आपने पासा पर मळी शके छे। तो आ पासो एक वक्त फेंकता वात थई गई। पछी पासो ज छे एने एक पासो नहीं पण हवे बे पासा छे एने एक साथे फेंकता। बराबर, तो एना माटे मळता परिणामों क्या क्या मळे आपणने, आ एक पासो फेंकवो एवी रीते बे पासा फेंकवा एम पण तमारे आवे छे। तो बे पासा तमे फेंको तो पासा पर मळता परिणामों क्या, तो के एवुं बने के बन्ने पासा उपर एक एक अंक आवे, पहला पासा उपर एक अंक, बीजा पासा उपर बे अंक। बराबर, पछी एक त्रण आवी शके, पछी एक चार आवे, एक पांच आवे, एक छ आवे। बराबर, आ बधुं हुं तमने समझावी दऊं छुं। पछी पहला पासा उपर बे आवे, पछी एक आवे, पछी बे बे आवे, पछी बे त्रण, बे चार, बे पांच अने बे छ। बराबर, आवी रीते चाल्या करे। पछी त्रण एक आवे, त्रण बे, त्रण त्रण, एवी रीते। पछी चार एक आवे, चार बे, चार त्रण। पछी पांच एक आवे, पांच बे, पांच त्रण, एम। पछी छ एक आवे, छ बे, एम करता 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 छ छ बन्ने पासा पर मळे आवुं बनी शके। बराबर, तो एवी रीते मळता परिणामों केटला होय, तो के 36। ए तमारी टेक्स्टबुकनी अंदर पण तमने आपेला छे के बन्ने पासा छे ए तमे एक साथे फेंको तो पासा पर मळता परिणामों पेज नंबर 267 ઉપર તમને આકૃતિ 15.3 ની અંદર દર્શાવેલા છે, એ તમે જોઈ શકો છો। બરોબર, તો એવી રીતે બધા અંકો છે એ બે પાસા ફેંકતા આપણને મળે છે। આ મેં તમને પાસાની વાત કરી દીધી, પાસા આપણે એક પાસો ફેંકતા પછી બે પાસા ફેંકતા એવી રીતે આપણને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે, એટલે બંને શક્યતાઓ છે, એટલે બે શક્યતાઓ છે એ મેં લઈ લીધી છે। બરોબર, હવે આપણો જે દાખલા નંબર 13 છે એના આધાર ઉપર આપણે ચર્ચા કરીએ। બરોબર, તો ચાલો એ જોઈએ હવે કે એક પાસો ફેંકતા આપણને જે જે સંભાવનાઓ પૂછી છે એના વિશેની આપણે વાત કરીએ। બરોબર, તો પાસાને એકવાર ફેંકવામાં આવે છે, અહીંયા લખું છું, પાસાને એકવાર ફેંકતા। બરોબર, તો મળતા પરિણામો ક્યાં ક્યાં છે, તો કે 1 2 3 4 5 6, એટલે કે તેથી n બરાબર કેટલા થશે, 6। બરોબર, હવે જે ઘટનાઓને આપણે વ્યાખ્યાયિત કરવાની છે એમાં પહેલી ઘટના એને a વડે આપણે વ્યાખ્યાયિત કરીએ, તો અવિભાજ્ય સંખ્યા। આપણે પહેલું એવું પૂછ્યું છે કે અવિભાજ્ય સંખ્યા, બરોબર, અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે તો ઘટના એ, તમને ખ્યાલ છે આપણે આવું વિધાન લખીએ છીએ, ઘટના એ ઉદ્ભવવાના પરિણામોની સંખ્યા એમ બરાબર। બરોબર, તો પાસા પર મળતા પરિણામો એટલે કે અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે એવું કેટલી વખત બને છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જણાવી દઉં કે અવિભાજ્ય સંખ્યાની શરૂઆત 2 થી થાય છે,
एक छे ने एक ए विभाज्य के अविभाज्य बेमांथी एक केमां आवती नथी, बराबर छे। अविभाज्य संख्यानी शुरुआत छे ई बे थी थाय छे, बे ई एक ज एवी संख्या छे के जे बेकी होवा छतां पण केवी छे, अविभाज्य छे। आ खास ध्यान में राखजो, अपवाद रूप छे के बे बेकी होवा छतां पण अविभाज्य छे, कारण के बे ने तमे बे वडे भागो, बे ने बे वडे भागो तो शेष शून्य आवे, बे ने एक वडे भागो, जो बे एका बे शेष शून्य, एक दू दू शेष शून्य, बराबर। आ सिवाय बीजी कोई संख्या एवी मळे के जेना वडे पूर्ण संख्या के जेना वडे बे ने भागता शेष शून्य आवे, तो तमे कहशो के ना सर, कोई पण बीजी एवी संख्या आपणने मळे नहीं। तो देट मीन्स एनो मतलब एवो थयो के भाई बे छे ए अविभाज्य संख्या छे। फॉर एक्जाम्पल तमे चार लियो तो चार ने चार वडे भागो, चार ने तमे एक वडे भागो, उपरांत चार ने तमे बे वडे भागो, तो बे दू चार, बराबर। एटले के ई संख्या पोते अने एक आ सिवायनी एक संख्या आपणने एवी मळे छे के जेना वडे भागता शेष शून्य आवे, तो चार ए अविभाज्य कहेवाय नहीं, बराबर। ख्याल आवी गयो? पहला हूँ तमने अविभाज्य कोने कहेवाय एना विषयनी समझूती आपू छू, ध्यानपूर्वक जुओ। एक ही संख्या पोते वडे भागो, एक एक वडे भागो तो शेष शून्य आवे, ई सिवाय बीजी कोई पूर्ण संख्या एवी आपणने मळती नथी के जेना वडे भागता शेष छे ई शून्य आवे, तो ई संख्या अविभाज्य कहेवाय छे। सामान्य रीते आपणे एम कहीए के एना अवयवो एक अने संख्या पोते ई सिवाय बीजो कोई एनो अवयव छे ई मळे नहीं, तो ये अविभाज्य संख्या कहेवाय। धारो के तमे नौ लियो तो नौ में एक आवे, नौ आवे उपरांत यस त्रण आवे, बराबर, तो नवी अविभाज्य कहेवाय नहीं। ख्याल आवी गयो? एटले आ एक विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान में राखजो, तो मारे आ एक थी छ एक पासो फेंकता एमां कई कई अविभाज्य संख्याओ आवे छे एने घटना ए तरीके व्याख्यायित कर्युं छे, अने एमां केटली संख्याओ आपणने मळे छे ए घटना एना सानुकूल परिणामो बने, तो एनी अंदर आपणे जोता जईए तो एक तो बे पोते आवे, बराबर, पछी त्रण आवे, पछी चार न आवे, पांच आवे, बराबर। तो बे त्रण अने पांच आ त्रण संख्याओ एवी छे के जे अविभाज्य छे, तो एना माटे आपणे अहीं लखशुं त्रण, बराबर। तो अविभाज्य संख्या मळे एवी संख्याओ त्रण छे। हवे एनी संभावना गोती एटले पी ऑफ ए बराबर एम अपॉन एन, एटले के त्रणना छेदमां छ बराबर एकना छेदमां बे, आ रीते, बराबर। हवे बीजी घटना छे एने आपणे व्याख्यायित करिए बी वडे, तो एमां एम कीधुं छे के बे अने छ वच्चेनी संख्या, बे अने छ वच्चेनी संख्या, बराबर। तो एनी आपणे वात करिए तो घटना बी उद्भववाना परिणामोनी संख्या एम बराबर, तो बे अने छ आ बे अने आ छ एनी वच्चे, तो के त्रण चार ने पांच, तो एना माटे केटला सानुकूळ परिणामो छे त्रण, तो हवे एनी संभावना गोतीए तो पी ऑफ बी बराबर एम अपॉन एन, एटले के त्रणना छेदमां छ बराबर एकना छेदमां बे, जवाब, बराबर। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आ दाखलो आपणे गणवानो छे। ત્રીજા ઘટનાને વ્યાખ્યાયિત કરીએ આપણે, જેને સી વડે આપણે દર્શાવશું, તો એમાં એમ કીધું છે કે અયુગ્મ સંખ્યા, ખાસ ધ્યાન આપજો, અયુગ્મ સંખ્યા, બરાબર, અયુગ્મ અને અવિભાજ્ય બે અલગ અલગ છે। અયુગ્મ સંખ્યા હોય, અવિભાજ્ય શું છે એ મેં સમજાવી દીધું, હવે અયુગ્મની વાત કરીએ તો ઘટના સી ઉદ્ભવવાના પરિણામોની સંખ્યા એમ બરાબર, તો અયુગ્મનો અર્થ છે એકી સંખ્યા, મેં અગાઉના લેક્ચરમાં એ સમજાવી દીધું છે તમને કે અયુગ્મ એટલે એકી સંખ્યા, તો એક ત્રણ અને પાંચ અયુગ્મ સંખ્યાઓ આપણને કઈ કઈ મળે છે, એક ત્રણ અને પાંચ, એટલે કે એ પણ મળ્યા આપણને કેટલા ત્રણ, હવે એની સંભાવના ગોતીએ તો તેથી પી ઓફ સી બરાબર એમ અપોન એન બરાબર ત્રણના છેદમાં છ બરાબર એકના છેદમાં બે, આ જવાબ,
बराबर। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों आ थई गई बात अपने दाखला नंबर 13 नी। खास ध्यानपूर्वक जोजो, अविभाज्य संख्या 2 अने 6 वच्चे नी संख्या अने अयुग्म संख्या, बराबर। एटले खास तमारे आमा ई शीखवानुं छे के अविभाज्य संख्या कोने कहेवाय, अयुग्म संख्या कोने कहेवाय, तो एना आधार उपर ई जे घटना उद्भवे छे एना सानुकूल परिणामों आपने क्या क्या मळे ई आपणे खास जोवानुं होय छे। बाकी दाखलो एकदम सरळ छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ तमारी फेरबुकनी अंदर नोट डाउन करी लेजो। थैंक यू।